छत्तीसगढ़ के वाडफ नगर से लाखों रुपए का गांजा जब्त किया है, साथ ही एक आरोपी को काबू भी किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाडफ नगर विकास खंड में अवैध गांजे की खेती की सूचना मुखबिर से थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम गठित की। टीम द्वारा आरोपी हरदेव के घर दबिश दी गई, जहां मक्काबाड़ी के आड़ में अवैध गांजे की खेती की गई थी। यहां 210 नग अवैध गांजे के पौधे को बरामद किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख आंकी गई है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। इस कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह, धन सिंह शालिंडे, अनिल एक्का, प्रियमम तिर्की, सलीम एक्का, दिलेश्वर चंद, अनिल पांडे, रुपेश राय, प्रमिला आयाम व सधुमन मरा भी शामिल रहे। बलरामपुर से अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। बसंतपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला था कि ग्राम गोबरा निवासी हरदेव खरवार अपने मक्के की बाड़ी के आड़ में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की खेती कर रहा है, और खेती करने के पश्चात काफ़ी मात्रा में लगभग 10-11 फीट के हो जाने पर उसको खाड़ कर रखा है। कि सूचना पर बसंतपुर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए हमरा स्टाफ के मौके पर रवाना होकर हरदेव खैरवार के कब्जे से जी कुल 2। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।